नमस्कार, मैं उज्ज्वल प्रियवीर और आप देख रहे हैं पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर और हमारे साथ कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका आरोप है कि रेलवे ने इनके साथ धोखाधड़ी किया है। जी हां, इनका आरोप है कि रेलवे की जो परीक्षा होती है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी की गई है। तो आइए इस बारे में हम सीधा बात करते हैं उन परीक्षार्थियों से कि उनका क्या कहना है। आप पहले आप अपना नाम बताइए। क्या? मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से बताइए। मामला ये है कि हम लोगों ने फरवरी मार्च के महीने में एक रेलवे का जो है ये वैकेंसी आई हुई थी करीब 1 लाख के आसपास, और हम लोगों ने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन किए थे, और हम लोगों का जो है लगभग 2 महीने पहले फॉर्म रिजेक्ट का मैसेज आया था हम लोगों के मैसेज मतलब मोबाइल पर। बताया गया कि आपका जो है फोटो और सिग्नेचर के कारण आपका फॉर्म इनवैलिड हो गया है। मेरा मामला ये है कि फरवरी में इसके फॉर्म आए हुए थे बच्चे, और सितंबर में इसका स्टेटस जारी किया था रेलवे के थ्रू, और बताया जाता है कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते हो, और करीब जो नंबर ऑफ पीपल जो इनको हटा दिया गया वो 4 लाख करीब बच्चे हर स्टेट से हैं, और 6 महीने इन दोनों के बीच में गैप 6 महीने का होता है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं हर इस एग्ज़ाम के लिए, और आप लास्ट में सितंबर को मैसेज दिया जाता है कि आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते हो। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ सर। सर, हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर करेक्ट है क्योंकि हमने आज के पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए सब इसमें वही सिग्नेचर और फ़ोटो लगाए, लेकिन यही एग्ज़ाम में हमारा इनवैलिड कर दिया गया। जबकि मतलब रेलवे मिनिस्ट्री बोल रही है कि उन्होंने हमें एक मौका दिया, जबकि वो मौका नहीं था, वो एक कंप्लेंट दर्ज करवाना था कि आपका फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। वो तो बात उनको भी पता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। मैं कर्नाटका से आया हूँ, मेरा नाम देवा है। सर, मॉडिफिकेशन लिंक हमें होना है, और एक्चुअली जो है ना मेरा लास्ट टाइम भी हो गया था सर, रिजेक्ट हो गया था, लेकिन लास्ट ईयर मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड किया था सर आरआरबी ने। फ़ोटो है इनवैलिड कर दी है, और वही है ना, मैंने 2018 में दी थी तब तो स्वीकार कर ली थी, इस बार क्यों नहीं की? मैंने वही सिग्नेचर वही फ़ोटो लगाई थी। बस पीयूष गोयल जी से यही अनुरोध है कि मेरा फॉर्म ही स्वीकार करें। मैं राजस्थान से हूँ। जिस तरीके से हर स्टूडेंट ऐसे बोल रहा है कि मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर है, उसी तरह से हर लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से इनवैलिड हो रहे हैं। सर, जिस तरीके से 2018 में मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया, इस बार भी मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाए। मैं सर गणेश, वेस्ट बंगाल से हूँ सर। सर, मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वो मॉडिफिकेशन का लिंक दें हमें। एक फ़ोटो की वजह से हमारे मतलब फ्यूचर के साथ इस तरफ से नहीं होना चाहिए, ठीक है? जबकि ये मैं वो इसी फ़ोटो का, मैं CHSL में, CHSL में और MTS में उसी फ़ोटो का इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ पे वो एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन फिर ग्रुप डी में वो रिजेक्ट बता रहा है। आप लोगों ने रेलवे के किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश की या कुछ बात करने की कोशिश की? हर रेलवे के जितने भी जोन हैं सर, हर स्टेट से बच्चे उन रेलवे जोन में गए, अपनी बात रखी, पर वहाँ कुछ खास ऑफिशियल उनकी तरफ से कुछ दिया नहीं गया है। RPF के द्वारा उन्हें दफ्तर के बाहर ही भगा दिया गया कि आप अंदर ही नहीं आ सकते हो। फिर हमने इकट्ठा होकर रेलवे भवन भी गए 12 सितंबर को, तो उधर भी हमें कोई खास रिस्पांस नहीं मिला ऑफिशियल के थ्रू। फिर इसलिए अब हमने ये किया, और हमने ये बात पहुंचाने के लिए जब हमें ऑफिशियल नहीं सुनी गई हमारी बातें, तो हमने कई मंत्री और पॉलिटिकल लीडर से भी हमने मिलकर ये बात पहुंचाना चाहिए, पर अभी भी मतलब इतने दिन होने के बाद भी अभी कोई खास ऑफिशियल अपडेट उनकी तरफ से नहीं आया है। कि जब नितिन गडकरी साहब मिली तो क्या कहा? हमने सिर्फ उन्हें बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, 4 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है करके, तो उन्होंने बोला हमें कि एक काम करो, क्यों मतलब क्यों रिजेक्ट हुआ, तो हमने बताया उन्हें, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, ये जो एप्लीकेशन है ये PA के पास दे दो। जब हम उनके PA के पास गए तो उनके PA का कहना ये था कि आप कोर्ट में केस करो करके, जबकि कोर्ट केस में सर 2-3 महीना अगर लग जाते हैं तो तब तक तो एग्ज़ाम आ जाएगी ना, तो कोई मतलब नहीं है सर कोर्ट केस करने में भी। सर, पढ़ने के टाइम में उन्होंने कहा कोर्ट केस करो, हम पढ़ने के टाइम पे यहाँ कोर्ट के कब तक चक्कर काटेंगे? पढ़ने घूमने पेरेंट्स हमें यहाँ नहीं भेज रहे हैं, पर हमारे साथ गलती हुई तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने यहाँ भेजा दिल्ली, और वो कोर्ट केस हम कैसे कर सकते हैं पढ़ने के टाइम हम कोर्ट केस करें यहाँ। पीयूष गोयल जी से बात हुई आप लोगों की किसी? उनसे कोई उनका ऑफिशियल उनका जवाब इस चीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं आया अभी पीयूष गोयल जी का। तो यहाँ छात्रों का कहना है कि उन्हें एक मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाए, और जो सिग्नेचर और जो फोटोज़ जो हैं वो ख़राब जो रिजेक्ट हो चुके हैं उनको बदलने का मौका दिया जाए। यहाँ एक बात देखने वाली ये भी है कि अगर फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो अगर इनवैलिड है, मिसमैच हो रहा है, तो ये 1-2 स्टूडेंट 1000-2000 स्टूडेंट का हो सकता है, लेकिन ये जो आंकड़ा जो ये छात्र बता रहे हैं वो करीब 5 लाख का है। तो 5 लाख छात्रों का अचानक से सिग्नेचर और फ़ोटो नहीं मिलना, ये वाकई रेलवे पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। नवोदय टाइम्स के लिए उज्ज्वल प्रियवीर की रिपोर्ट।